थे मरोड़ा से और हमने सोचा चलो यहाँ से मैगी खाते हुए चलते, भूख लग रही थी हमें। बहुत अच्छा लग रहा है यार, कुकर में मैगी बना रहे हो। खाइएगा, वैसे हम अभी खाएंगे और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कैसी है मैगी। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल जा रहे थे मरोड़ा से भवान धनौल्टी होते हुए, और बीच में एक जगह है जहाँ का नाम है बटवाल धार, और हमने सोचा चलो यहाँ से मैगी खाते हुए चलते, भूख लग रही थी हमें। एंड यहाँ पे ये एक वैन है जिसमें इन्होंने एक छोटा सा किचन बनाया अपने लिए, और इनसे भी हम बात करेंगे। और इसका नाम है टेस्टी राइड मैगी पॉइंट। यहाँ पे कितने सारे मैगी पॉइंट होंगे वैसे? बहुत सारे हैं, तो रूट पे तो कम से कम 30-40 तो हुए। बिल्कुल, हमारी मैगी रेडी हो रही है। ज़्यादा ही होगा मेरे को ऐसा लगता है, आजकल थोड़ा सा घटा दो ना। क्यों तो सानू, सानू तो कैसा लग रहा है पता? बहुत अच्छा लग रहा है यार, कुकर में मैगी बना रहे हो। हाँ यार, एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों मैं, थोड़ा अंदर चलते हैं। आज हम इस वैन को एक्सप्लोर करेंगे। एंड तो पहले अभी एक मैगी बनाई जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी दिखने में, और देखिए कुकर में किसी ने मैगी बनाई है आज तक। भैया भैया आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, मेरे मामा का नाम भी प्रताप। तो कुकर में बन रही है हमारी मैगी। कितने साल हो गए भैया आपको यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 3 साल। 3 साल, कैसा है रिस्पॉन्स? बढ़िया है। यहाँ बर्फ भी पड़ती होगी ना सर्दियों में? बहुत, बिल्कुल जाम हो जाता होगा सारा। भैया ये वैन यहीं पे रहती है आप? यहीं पे रहती है। वैसे मूव हो जाती मतलब? हाँ, मूव होती बार ले जाते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कहाँ के? नहीं, लोकल हो। लोकल, ठीक है। तो गाइस जब भी आप धनौल्टी से चंबा की ओर जाओ या चंबा से इधर इस साइड आओ, तो बटवाल धार पे यहाँ पे बैंड पे ही इनका ये वैन है, यहाँ पे मैगी ज़रूर खाइएगा। वैसे हम अभी खाएंगे और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कैसी है मैगी। तक मैगी बनती है तब तक हम थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाते ही, ये भैया भी बता रहे थे कि यहाँ पे एक पानी का स्रोत है और काफ़ी ठंडा चिल्ड पानी आता है वहाँ पे। और चलते हैं खैर इन उबड़ खाबड़ रस्तों से और ढूंढते हैं उस पानी के स्रोत को आखिर कहाँ पे है। और ये है यार, पानी तो आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। और वो देखिए दोस्तों, वो सामने हो गया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड जैसा कि उन्होंने बोला काफी चिल्ड था। ओह गाइस सुनो यार, बहुत चिल्ड है यार पानी, सही में बहुत चिल्ड है। ऐसा लग रहा है फ्रिज में से निकल के आ रहा है, फ्रीजर में से, जो बर्फीला पानी बोलते हैं ना जिसे हम, वो है ये। कैसे बनाया हुआ है देखो, बहुत ठंडा है यार। जिनको पार्टी शार्टी करने का शौक है ना ऐसी जगहों पे, पैगी शैग मारने का, उनके लिए ये पानी बहुत बेस्ट है क्योंकि बहुत ठंडा है, बहुत चिल्ड है। वाह यार, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ऊपर जंगलों में से निकल के। यहाँ पे एक डिग्गी भी बनी, टंकी भी बनी हुई है, इसमें भी शायद स्टोर होगा पानी, पाइपलाइन गई हुई उसके अंदर से, बाकी जड़ियों में से निकल के आ रहा है ये पानी। ये हमारे पहाड़ों की देन है हमें। वाह, आ गई है मेरी मैगी एंड लुक्स गुड, बहुत अच्छी दिख रही है। आई थिंक टेस्ट में भी अच्छी होगी। दोस्त क्या तुम मेरी वीडियो बनाओगे? चलो रहने दो, तुम एक काम करो, तुम अपना काम करो, इसे ऐसे खड़ा कर देते हैं। और यही है मेरी मैगी एंड शक्ल बहुत अच्छी लग रही इसकी। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ी स्पाइसी है, इतनी मिर्ची मैं खाता नहीं हूँ वैसे।
बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। गरम गरम, और ये जगह में ठंडा है मौसम। सानू हंस रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर। और खाते हैं तो चलते हैं, हमें आगे भी जाना है। तो जी खा लिया मैगी और बहुत टेस्टी थी। कैसी थी बता? बढ़िया थी। तो ऐसे सैड हो गई क्यों बता रहे? मिर्ची लग रही ना। बढ़िया थी, मज़ा आ गया यार। ठीक है भाई जी, चले तो पैसे तो दे दे यार। कितना हो गए? 150। पैसे नहीं बोल। चलो तब चलते हैं। ठीक है भाई जी, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सानू भाई चले, चलो नॉन स्टॉप, रुकना तो नहीं कहीं। ओके।